hello students of class 7 this is your english teacher zakir shah and i welcome you all once again in the part uh, fifth of uh, that we are continuing the first chapter so we left uh, over here uh, in the fourth part now we are going to start from here okay i was struck dumb by the huge figure in 6-inch heels whom i hadn't known about until then bearing down on me with a shining sword uh, in hand he said in a thunderous voice that made me tremble who is this puny creature or puny creature who dares to intrude into my kingdom I was supposed to answer in a proud voice that I was the son of Pavandev, uh, the wind god, the worshipper of Ram, the immortal Hanuman. Okay. तो यहाँ पर आप सीन देख रहे हो कि छः इंच वाले एक ये बड़ा सा एक यहाँ पे व्यक्ति आता है क्योंकि यहाँ पे पहले ही भी आवाज़ दिया है कि रावण द ग्रेट आ रहे हैं ठीक है तो वो थोड़े से आई स्ट्रक दम यानी वो थोड़े से बिल्कुल चुप हो जाते हैं वो खामोश हो जाते हैं स्पीचलेस हम कहेंगे ठीक है वो स्पीचलेस हो जाती हैं बच्चे और उसके बाद वो देखती हैं कि छः इंच का उनका हील्स हैं और तब तक नहीं पहचानती जब तक वो बियरिंग डाउन ऑन नहीं यानी वो पूरा उसकी तरफ एक यानी क्या बोलते हैं उसको मतलब ख़तरनाक तरीके से है ना एक डरावने तरीके से उसके पास आता है और उनके हाथों में शाइनिंग स्वॉर्ड भी होता है अच्छा और वो एक हरने वाले आवाज़ में है ना थंडरस वॉइस में बोलता है ना जिसकी वजह से वो वो बच्ची जो है वो ज, जो हनुमान का रोल कर रही है वो कामने लगती है लरजने लगती है हु इज़ दिस पुण्य क्रिएचर हु डेयर्स टू इंक्रूड इन टू माई किंगडम ये छोटा सा अदना सा छोटा सा अ, ये क्रिएचर कौन है जो मेरे किंगडम में, में मेरे सल्तनत में या मेरे हुकूमत में आया है मेरे सल्तनत में आया है इंकलूड मतलब होता है जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए मैं ऐसा एक जगह जहाँ पर अगर हम हमें कहा गया है रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर ठीक है ना इंक्रूडर रिस्ट्रिक होता है कि यानी जो आम लोगों के लिए वो जगह नहीं होती है आई वॉज सपोज टू आंसर अब उनका जो हनुमान जी का रोल कर रही थी उनका आंसर ये होना चाहिए था कि मैं पवनदेव का बेटा हूँ है ना विन कॉड है ना सन ऑफ पवन देव जो विन कॉड है और वर्शिपर ऑफ राम और मैं राम के राम का पूजने वाला हूँ एंड द इमोटल और मैं कभी न मरने वाला न खत्म होने वाला हनुमान हूँ उनका आंसर ये होना चाहिए था आई वॉज सपोज है ना ऐसा आंसर होना चाहिए था लेकिन बट रावन वॉज टावरिंग ऑन मी ही रेस्ट हिस्वॉड एंड स्क्रीम्ड इन डोंट किल मी आई एम नॉट हनुमान आई एम फुल्ड ऑफ माई मा आस्क एंड आई एस आई स्पोक ठीक है ना फिर रावन तो बिल्कुल मेरे ऊपर इस तरह से स्वॉर्ड लेकर ऊपर चढ़ गया है ना इस तरह से यानी बिल्कुल घुस हुए एक ख़तरनाक अंदाज में तो एक दहशत वाले अंदाज में तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ही रेज ए शोट एंड स्क्रीम्ड इन टेरर और बिल्कुल जोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा कौन है ये छोटा सा इतना साइन ये मान लीजिए क्रिएचर है ना ये व्यक्ति बोला तो ये बच्ची सच में डर गई ये बच्ची है ना इनका हनुमान का रोल था तो मगर ये सच में डर गई इन्होंने कहा मुझे मत मारो मुझे मत मारो आई एम नॉट हनुमान मैं हनुमान नहीं यूँ और जल्दी से आपने किसको मास्क को उतारा ठीक है ना यहाँ देख रहे हो ये जल्दी से अपने मास्क को उतार रही है ये वाले में है ना जल्दी से अपने मास्क को उतार रही है तो ये ऐसा लगा कि मतलब ये स्पीकर जो है ये जैसे कि ये हनुमान इनको सच में मार रहे हैं वाई वॉज द स्पीकर टेरीफाइड यहाँ पर तो आपके आप लोगों के लिए एक टास्क है ये आपने खुद करना है कि ये जो स्पीकर है ये जो बच्ची है ये क्यों डरी ठीक है ना टेरीफाइड क्यों हो गई ये टेरर वाला ठीक है चलिए उसके बाद क्या है लास्ट में बाई नाव बाई नाउ द ऑडियंस वॉज रोलिंग विद लाफ्टर अब तो हाँ जो ऑडियंस थी जो देखने वाले थे वो तो बिल्कुल हँसी से इधर उधर बिल्कुल रोल कर रहे थे इधर उधर उछल रहे थे ठीक है ना द साउंड ऑफ लाफ्टर बिकेम लावडर एंड एन इन्फीरियर टीचर केम ऑन स्टेज ठीक है ना फिर मतलब जो हँसी का जो आवाज़ था उस uh, हॉल में वो बिल्कुल ऊंचा होने लगा क्योंकि सभी को अजीब सा ये नाटक एक लगा है ना उसके बाद इन्फीरियटेड मतलब होता है एक्स्ट्रीमली एग्री और जो सबसे ज़्यादा एंग्री तो वो टीचर होंगी ना तो वो टीचर जो इन्फीरियर थी जो सबसे ज्यादा एंग्री थी वो स्टेज में आ गए और अनसेरेमोनियसली ड्रैगड मी अवे तो अनसेरेमोनियसली होता है यानी इन रफ वे और रूड वे ठीक है ना बिल्कुल एक घसीट कर बोलेंगे ना घसीट कर उसको वहाँ से उस बच्ची को ले गए ठीक है ना तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये कहाँ से लिया गया है एडाप्टेड फ्रॉम हनुमान एंड आई बाय रूपा गुप्ता जी ने ये लिखा हुआ है रीड फुल स्टोरी है ना ये यहाँ से पढ़ने के लिए कहा है ठीक है चलिए अब हम रूपा गुप्ता के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे रूपा गुप्ता works विद बुक्स फॉर अ लिविंग शी इज एन एडिटर एंड विद ए पब्लिशिंग हाउस इन Delhi ठीक है ना तो ज़्यादातर ये बुक्स के ऊपर काम करती है है ना खासकर जो इस तरह के स्टोरीज़ को लेकर उसके बाद वो एडिटर भी हैं और पब्लिक पब्लिशिंग हाउस किसी एक पब्लिशिंग हाउस में दिल्ली के अंदर शी इज़ आल्सो एन ऑथर वो एक ऑथर भी हैं ऑफ़ ओवर थर्टी चिल्ड्रंस बुक यानी तीस से ज़्यादा चिल्ड्रंस बुक इन्होंने लिखे हुए हैं शी लव टेलिंग स्टोरीज़ वो स्टोरीज़ सुनाना पसंद करते हैं इस्पेशली थ्रू कॉमिक्स यानी कॉमिक्स के द्वारा इट वॉज़ ड्रीम इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू वेन शी गॉट टू राइट फॉर टिंकल एंड अमर चित्रा का था अमर है ना टिंकल एंड अमर चित्रकथा चित्रकथा सम ऑफ इंडियाज़ लीडिंग कॉमिक बुक यानी ये जो कुछ बुक्स हैं टिंकल हैं टिंकल एंड अमर चित्रकथा तो ये सबसे लीडिंग बुक्स हैं इंडिया के तो इनके आ, उसमें भी उनको लिखने का मौका मिला जो इनके लिए एक ड्रीम था वो पूरा हुआ ठीक है तो आई थिंक इन दिस सेक्शन वी आर एंडेड द चैप्टर है ना अब हम कंप्रेंचर पार्ट में इन द नेक्स्ट उसमें जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में ठीक है टिल देन गुड बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव यू ऑल